जांच का विषय है पूरा कि इस घटना में मर्डर के पीछे कारण क्या है। मैं मांग करता हूं कि इसमें एसआईटी टीम गठित हो, मर्डर के पीछे कारण क्या है इसकी पूरी जांच हो। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए और सभी सिस्टम माफियाओं के उंगली पर नाचने लगे, सिटी में 25 हत्या में आ चुका हूं, समाज में गुस्सा कहां खड़ा, 12 घंटे के अंदर गर्म पानी की बुलबुले की तरह 24 घंटे में सब कुछ शांत हो जाता, हमारे भीतर गुस्से का इजहार भी तो हो। सिस्टम यह समझती है कि ये मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है 10 किलो चावल 1 किलो घी से वोट लेने, मुद्दा है जाति धर्म मजहब के आधार पर सियासत राजनीति। अब अभी जितने अपराधी हैं वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, आज जो गोली चलाया 10 साल बाद यही एमएलसी का चुनाव लड़ेगा। समाज भी जाति के आधार पर अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है, ये अमुक जाति का अपराधी है ये मेरा हीरो है, और नेता को लगता है कि अपराधी ही समाज से वोट दिला सकती है। बागला जो परिवार सिटी का रिनॉन फैमिली, कल से अभी तक तो किसी का ट्वीट और बयान नहीं आया, उन पर भी बयान आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन उन्हीं चीजों पर बयान देती है जो मीडिया ट्रायल होता है, जिसपे हजारों लाखों लोग सड़क पर उतरते हैं कैंडल होता है, या जिन मुद्दों पर वोट का आधार हो पॉलिटिशियन उस पर थोड़े देर सक्रियता दिखाती है अन्यथा नहीं दिखाती। इस घटना में जांच का विषय है पूरा कि इस घटना में मर्डर के पीछे कारण क्या है। मैं मांग करता हूं कि इसमें एसआईटी टीम गठित हो, मर्डर के पीछे कारण क्या है इसकी पूरी जांच हो। पांच हत्यारा आता है, अब आप 1500 वैसे तो इस गली में किसी बच्ची का चेन छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है, हाथ क्या है, इतने सज्जन लोग जिसको टारगेट करके 5-5 पिस्टल लाकर 50 गोली से ज्यादा तैयारी करके आके मारना सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, 100 या 1000 रुपया। इसके पीछे सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए और उद्भेदन करना चाहिए कि प्रमोद बाबू के मर्डर के पीछे क्या कारण है, कौन कौन लोग हैं, या क्रिमिनल इसके पीछे इतनी तैयारी करके क्यों आए थे। क्या इस प्रमोद जी की घटना के बाद सिटी में या पटना में दीपक की हत्या के बाद क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि अब कोई हत्या नहीं होगी, अब कोई मर्डर नहीं होगा, किसी की मांग सुनी नहीं होगी, किसी का मां का गोद छीनू नहीं होगा, क्या अपराधियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर आएगा, दो केस जिस पर हो 302 का या एक्सटॉर्शन का या डकैती का, उनको या तो आप कानून के तहत 3 महीना एक्ट लाइए कि सजा होनी हो, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसको शूट एंड साइट करने का आदेश निकालिए। अपराधियों के भीतर इकबाल और डर नहीं रह गया है, अविलंब चारों की गिरफ्तारी चाहता हूं, एसपीडी ट्रायल करके सजा चाहता हूं, व्यवसायी सुरक्षा एक्ट को आप लाइए, और सीटी जो 1000 करोड़ रुपया का आपको रेवेन्यू देता है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप करिए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक।
अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।